गाइस 2024 का पार्टी सीजन इज अबाउट टू एंड। ऐसा नहीं लग रहा है, पूरा अक्टूबर हमने सिर्फ पार्टीज करी और कुछ किया ही नहीं है। जो एक आधा हफ्ता था जब कुछ नहीं करना तो कॉटेज चले गए थे। मतलब मैं खुद सोच रही थी कि हमारे चैनल पे एक नॉर्मल व्लॉग कब आया था। सितंबर में आया था, उसके बाद नहीं आया। बट हाँ, अभी जो आज पार्टी हो रही है ना, दिवाली पार्टी, उसके बाद मेरे ख्याल से ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि उसके बाद सीधा 2 महीने के बाद 31 दिसंबर न्यू ईयर आएगा। तब घर पे सत्संग होगा और छोटी मोटी पार्टी होगी, मगर 2 महीने कोई पार्टी नहीं है। वैसे इन 2 महीनों में 10 दिन तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं है, दुबई जा रहे हैं। बट आज की पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज होने के बाद फिर बीच में दिवाली तो सेलिब्रेट करनी है, वो घर घर के हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 2 महीने ऐसा फ्रेंड्स के साथ इतना ज्यादा मिलना मिलाना, मस्ती करना, डांस करना, ये सब कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके से 2024 की सेकेंड लास्ट पार्टी की तैयारी चल रही है। काफी कुछ बाहर से केटरिंग कराई है, जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, और काफी कुछ मैं घर पे बना रही हूँ। घर पे मैं बना रही हूँ कॉर्न चाट, तो यहाँ मैंने कॉर्न्स बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और बना रही हूँ वेज चाउमिन। वेज चाउमिन के 2 बैच बनेंगे, एक बैच ऑलरेडी बन चुका है और दूसरा बैच बिल्कुल बनने वाला है। साथ में मैं बना रही हूँ चीज चिली, तो मतलब चाइनीज घर पे बना रही हूँ। चीज चिली के लिए मैंने पनीर क्यूब्स पूरे काट के उसमें कॉर्नफ्लावर और मिर्च और नमक डालकर थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए। फिर इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। सारी की सारी चॉपिंग यहाँ पर हो गई है, चॉपिंग में अमित ने मेरी बहुत हेल्प करी है यार। तो खाना पीना एक बार रेडी हो जाए, फिर किचन का ही थोड़ा सा लास्ट क्लीनअप करना है। बाकी पूरे घर का क्लीनअप हो चुका है, घर में दिवाली की डेकोरेशन हो चुकी है, वो सारी मैं आपको रेडी होकर दिखाऊंगी। क्या बात है। अभी टाइम हुआ है 6:30 और मैं यहाँ पर आया हूँ। हमने केटरिंग ऑर्डर की थी राजधानी से उसको पिक करने के लिए। 7 बजे सारे गेस्ट आ जाएंगे, इसलिए मैं रेडी होकर ही आया था। मैं कहीं मैं घर पहुँचूँ और गेस्ट पहले पहुँच चुके हों, फिर मैं ऐसे रेडी नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। दिवाली का टाइम है और इतनी सारी मिठाई देख कर मैं सम्मान कर रहा है, सब कुछ उठा लो यहाँ से। वैसे यार एक अच्छी बात होगी हमारे बिटवी में, हमारे घर के पास एक इतना अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया। When it comes to veg restaurant, Rajdhani is one of my favorite. Guys, happy Diwali! 6:52 है। भाई मैं रेडी हो गई हूँ, सब कुछ रेडी हो गया है, खाने पीने का सारा सामान रेडी हो गया है, घर रेडी है, बस अब जो दिए हैं ना वो जलाने हैं। एंड वी आर रेडी टू वेलकम आर गेस्ट। अमित बस वो सामान पिक करने के लिए गए हुए हैं जो हमने कैटरिंग बाहर से करवाई है। मेरे ख्याल से 7:00-7:05 तक अमित भी आ जाएंगे। और मेरी ये ड्रेस आपने पहले भी कई बार देखी होगी, बट मैंने आज यही ड्रेस पहनी है क्योंकि जो दूसरी वो रंगोली, हाँ जी रंगोली का, रंगोली नहीं बनाई हमने। अच्छा अभी रख देते हैं, हम एक बनी हुई रंगोली लेकर आई हूँ, बस अब सारे दिए जलाते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं घर का। मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट ने आज मुझे डिसअपॉइंट किया। 6:30 का टाइम दिया था इनको केटरिंग पिक करने के लिए और मैं वहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद वही बहाने शुरू, बस वो आ रहा है, बस 5 मिनट में रेडी है, दिस एंड दैट करते करते 6:50 पे वहां से बाहर निकला हूँ मैं। और मुझे रस्ते में एक और काम था, 7 बजे घर पे पहुंचना है, उससे पहले मुझे बीच में एक और जगह भी रुकना था। आई थिंक आई विल मिस दैट। तो मैं बस अब कॉल कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को जो आ रहे हैं पार्टी पे, उनमें से ही किसी को रिक्वेस्ट करूंगा लेकर आने को सामान। चलो 10 मिनट तो मुझे घर पहुंचने में भी लगेंगे, तो सीधा घर पहुंचते हैं। अब देखो टाइम है, आपको फटाफट डेकोरेशन दिखाना है, अगर सारे लोग आ जाएंगे फिर टाइम 9 बजेगा डेकोरेशन दिखाने का। तो पहले तो मेरा ये कॉर्नर देखो, इस कॉर्नर में मैंने अभी 2 दिए जलाने हैं, मैंने अभी भी नोटिस किया आपको दिखाते हुए। और अब मेरा स्टेयर्स का लुक देखो, स्टेयर्स का लुक भी ना मैं हर फेस्टिवल के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो करवा चौथ वाला लुक था वही कॉपी पेस्ट किया है, चेंज किया है, चेंज इंस्पिरेशन वही है। एक काम करो, डिफरेंसेस बताओ करवा चौथ से अभी दिवाली के लुक में क्या क्या चेंज है, घर में भी और स्टेयर्स के लुक में। और यहाँ पूरे घर में बॉर्डर में मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगा रखे हैं। ओह वाओ, ये तो मैंने भी अब नोट किया है, उस तरफ भी है। और जो करवा चौथ पे मैंने सारे वेस्टीरियस बंच में इकट्ठे लगा रखे थे ना, अब दिवाली पर लुक देने के लिए सारे के सारे स्टेयर्स पे इसको फैला दिया है मैंने। और अब देखो हमारा किचन का लुक। एक और चीज मेरी हैंडमेड है जो मैंने खुद बनाई है, मैं इतनी अच्छी है कि नहीं वो नहीं पता। अमित वाज नॉट एक्साइटेड एट ऑल, मैं बहुत एक्साइटेड थी बनाते हुए। मैंने यहाँ पे एक सेंटर पीस बनाया। पैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सही लग रहा है। अच्छा अब इसको मैंने 5000 जगह पे रखा है घर में। अच्छा। कि यहाँ फिट हो जाए, यहाँ फिट हो जाए, यहाँ फिट हो जाए, कहीं पर भी फिट नहीं हुआ। अब मैं राइट फिट लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर मुझे लगा यहाँ पे फिट है। आसपास दोनों गुरुजी की फोटो और बीच में अभी सारे फ्लावर्स लगा दिए। अच्छा पैम को तो दिखा दूं। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा और मैं लेकर चलती हूँ बेसमेंट में। चलो भाई बेसमेंट दिखाते हैं। चलो भाई चलो, मैं तो यही, मेरा तो बार बार यहीं पे मन जा रहा है। स्नैक्स में क्या क्या है? गोलगप्पे हैं
और साथ में कौन चाट है, कौन मसाला चाट है, इसमें बहुत सारा मसाला है, हरी मिर्ची, नमक मिर्च, नमक मिर्च होता ही है, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, सब कुछ है। साथ में मलाई चाप है और साथ में वीडियो में आपने देखा ये मैंने बनाया है वेज चाउमीन एंड चिली पनीर, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है अभी, तो ये सारा हमारे स्नैक्स में है। दिवाली पार्टी ना तो मिठाइयों के बिना पूरी हो सकती है और ना ही दियों के बिना, तो मिठाइयाँ भी भर भर के दी और मैंने कोशिश की थी घर के हर कोने में बहुत सारे दिए हों, कैंडल लाइट्स हों, लैम्प्स हों, ताकि पूरा घर जगमगाता रहे और जो भी आए वो दिवाली वाली फुल वाइब्स लेकर जाए। आज हमारा सारा फिटिंग अरेंजमेंट जो है वो नीचे जमीन पे है, तो हमने कुशन्स लगा दिया, और कुशन्स ले आएंगे ऊपर से एक बार सारे आ जाए, और यहाँ नीचे बैठकर सारी गेम्स होंगी, पार्टी होगी, यहीं पे अंताक्षरी खेली जाएगी, जो होगा यहीं पे होगा, नीचे मतलब नीचे मतलब जमीन पे, बेसमेंट में नहीं जमीन पे। और वो देखो ये हमें आइडिया था भाई, है ना अच्छा, और ये ये एंट्रेंस पे फ्रेम लगाने का भी मेरा आइडिया था शिल्पा। गाइस 8 बज चुके हैं, अभी तक घर पे आ चुके हैं संध्या, अंकित, मानसी, दिनेश, लपिका, जावेद और पैम और पंकज, चार फैमिलीज आ गए, पांचवी हम, 13 फैमिलीज को इनवाइट था, 8 बजे तक 5 लोग पहुंचे हैं सिर्फ, देख लो एक बंदे को तो कॉल किया कोई काम था, 7 बजे वो कहते अभी तुम घर पे हैं, अभी चल रहे हैं, और ना उनके घर से हमारा घर 1.5 घंटा दूर है, उनका सब नोट कर रही हूँ मैं, सब कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं, इनके घर पार्टी होगी ना मैं भी ऐसे ही पहुंचूंगी, बताओ 1 घंटा हो गया पार्टी शुरू हुए और 4 लोग खड़े हैं, मतलब 4 फैमिलीज खड़ी हैं। अच्छा ये बताओ, एक किसी इंडियन फैमिली में पार्टी पर जाने के लिए डिसेंट लेट टाइम क्या होना चाहिए, मतलब कितनी लेट जा सकते हो? वैसे तो टाइम पर हम लोग वैसे ही फेमस नहीं है इंडियंस पहुंचने के लिए, 10-15 मिनट लेट तो जाते ही जाते हैं, लेकिन कितना लेट चलता है, मतलब 7 बजे की पार्टी पे 9 बजे तो बिल्कुल भी नहीं चलता भाई, लेकिन कितनी लेट आपको लगता है कि चलता है, और आप कितनी जल्दी गए और आप एम्बेरेस हुए कि इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, ये भी मुझे कॉमेंट करके बताना। पंकज जी अगर एक इंडियन घर में पार्टी हो तो कितना लेट जाना ओके है, चलता है? ये डिपेंड करता है कि रिश्ते क्या है, अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो 2 घंटे लेट आते हैं लोग, 15 मिनट इज फाइन, 15 मिनट से आधा घंटा, हाँ उससे ज्यादा, अच्छा, उससे ज्यादा देर होना नहीं चाहिए, मतलब 7 बजे की पार्टी को जल्दी आ जाए तो उससे घर का काम करवा, हमें जो जल्दी आते हैं ना वो अपने घर का काम करवाने के लिए आते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि भैया चलो मैं हेल्प कर आई थी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मिठाइयाँ लगाई हैं, हम मिठाइयाँ लगाई हैं, मेकअप सफाइयाँ लगाई हैं, मेकअप कोल भाई भाई मैंने कर रखी थी भाई, हाँ सफाइयों का काम हमारा नहीं है, एक बेचारे आदमी से उसका काम मच्छी ने अच्छा हुआ, अमित ने बहुत अच्छा हुआ किया है, सारा चीज अमित ने किया है, शॉपिंग अमित ने करी है, डेकोरेशन की हाँ हद हो गई है लिपि, हद हो गई, ये जो तारीफें करे जा रहे हो ना चिली पनीर की खा खा के, ये मैंने बनाई है, आप इतना प्यार देते हैं मेरी कुकिंग को, थैंक यू सो मच गाइस, कुकिंग नहीं चॉपिंग को बोलो, चॉपिंग को, जो आपने सुना है ना कि पनीर मैंने बनाया, पनीर इनका दूसरा नाम मैंने है, पंगनी गलत बात है यार, सब्सक्राइबर्स कम है टीज करने के लिए आप लोग भी कर रहे हो यार, वो देखो अंकित वहाँ मन मन मुस्कुरा है वहाँ पे पीछे खड़ा है, मुझे देखने दो, जो सब्जियाँ काटी गई है उससे जो रेनबो कलर आए जो माहौल बना रे चॉपिंग वाली सब्जियों भी बना है ना, देखो अमित नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना मैं इतना सारा भर के जो स्पेशलिटी स्पेशलिटी हम पक्का लेके आए, क्या स्पेशलिटी, नाम क्या है उसका, स्पेशलिटी जो लिपिका ने बना रही है वो स्पेशलिटी है ना, क्योंकि वो इतनी स्पेशल चीज है, सालों में कभी एक बार बनती है, जो मुझे सुनाते हैं ना कि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, ये एक बार दिखा देता हूँ, ये सुनाते हैं कुकिंग नहीं करते, नहीं नहीं एक बार से मिले अंकित ने कहा था, अंकित ने कहा था कुकिंग करते कब हो, दिखाते नहीं हो व्लॉग में, ये नहीं कहा था कि करते नहीं हो, कोई और लोग है जो कहते करते नहीं हो, तो भाई मैं लिपिका की फ्रेंड हूँ जिसने जिंदगी में पता नहीं कितनी बार कुकिंग की होगी, उंगली में गिना होगा, मैंने करी है, अभी मैं वो लेके आऊँ जो पंकज ने खाया था, ही वाज मैं भी मारे दांत, व्हाट वाज दैट, नाम बताओ नाम, मैं बताती हूं, आई वाज स्टंड, अच्छा वो हमने जो चीज खाई मैंने खाया कक की आवाज है, मुझे पता नहीं था कि मेरा दांत टूटा है कि वो टूटा है, अच्छा पैम वॉज सपोर्टिंग लिपिका पूरी शाम, मैंने कहा एक बार खुद ट्राई करके देखो,
कांग्रेस से बीजेपी के दल इतनी जल्दी बने नहीं बदलते हुए देखा है जितना पैम ने यूटर्न लिया था। बॉन्ड किया था बट नहीं सुनी थी। नहीं मैं ट्राई कर रही हूं। मुझे लगा कि मैं गलत नहीं हो सकता। और लेकिन फिर भी एडवर्टाइज कर रही है उसको ये बोल रही है स्पेशलिटी है। इस फ्राइडे को डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है उसके 12:30 हम दोनों जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। कोई और भी आ गया। चलो उसको ही मौका मिल जाएगा। गाइस दिवाली पार्टी पे हम एक बक्सा लेकर आए थे जिसका शुभ मुहूर्त पैम अपने शुभ हाथों पे कर रही है। जुआरी नंबर है। मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी पैम भाई। ऐसा है हम लोग फ्रेंडली आंटी मेरे को तो नाम भी नहीं पता है। सोचो मैं इतनी शरीफ हूँ। पोकर अच्छा फ्रेंडली पोकर खेलने वाले हम लोग सारे यहाँ पे। बैश फ्लैश अच्छा फ्लैश। मैंने कभी नहीं खेला अपनी जिंदगी में। पहली बार तुम्हारी घर दिवाली पार्टी पे खेला था। दूसरी बार राशि के घर दिवाली पार्टी पे खेला था। तीसरी बार आज मैं अपने घर दिवाली पार्टी पे खेलूंगी। बस हाँ आंटी के साथ खेला था मैंने पहली बार। चलो भाई आ जाओ आप लोग आ रहे हो आपकी पार्टी वहीं चलती रहेगी। हाँ आंटी यहाँ पर सबसे बड़ी वो है जुआरन। मैं बच रही थी वर्ड यूज करते हुए पंकज जी ने कर दिया। आंटी ने दो घर बनाए हैं सिर्फ जुआ खेल खेल के। दो घर इनके जुआ में जीत गए घर। भाई अभी हम लोग खेल रहे हैं बट खेलना आता किस किस को है ये बताओ। तुम्हें तुम तो एक्सपर्ट हो। आंटी ने दो घर बना दिए तुम्हें तो बनाई दिया होगा थोड़ा सा एक्सपर्ट। लिपि मेरी तरह है उसको बिल्कुल नहीं आता मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं आता। ब्रेनू भाभी एक्सपर्ट है ना। वो ब्लफ कर रही है ना ब्लफ। तुम्हें आता है विराज बिल्कुल भी नहीं आता। मानसी को भी नहीं आता होगा। नहीं आता ना मुझे आता है थोड़ा थोड़ा पर मुझे रिवाइज करा दो रूल्स। रिवाइज करा दो रूल्स। ये तो हर बात में अपनी वो के टीचर है। डोलमा तुम्हें आता है। संध्या को आता है मुझे लग रहा है तुम्हें। अच्छा तशोड़ा गाइस दिवाली का शगुन हो रहा है दिवाली का शगुन। बाकी आप पैसे पैसे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको पत्ते दिखा रही हूँ। एक राउंड में पहले राउंड में बिना पैसों के फिर लग रहा है। अच्छे पत्ते हैं मेरे पास। अच्छे पत्ते अच्छे पत्ते हैं। इतना तो मेरे को पता चल गया कि अच्छे पत्ते हैं। मैं खेल सकती हूँ लंबा। यार एक मिनट लोग ब्लफ कर रहे। मैं तो बकवास भी करने जा रही हूँ। बताए जा रहे हो पत्ते क्या है मेरे पास। भाई साहब मैंने बोला मैं विनर हूँ इस गेम की। मानसी इक्का दुखी तिक्की क्या बात है भाई। राशि ना घर पे बने हुए लड्डू लेकर आई है और हम लोग सभी टेस्ट कर रहे हैं। हमने पैम को बोला कि पैम तुम भी आके टेस्ट करो। पैम ऐसे शॉट पता क्या आ रहा है यहाँ तीन चिलमिल जल रही है और चिलमिल के ऊपर झांकता हुआ तुम्हारा चेहरा। अगे घर पे लड्डू बनाने वाली बहू है। अंश की मम्मी को घर पे लड्डू बनाने वाली बहू मिली है। ये देखो हम लोग थोड़ी देर के लिए पिक्स कराने क्या गए। ये इन बच्चों के गेम शुरू हो गए। यहाँ पे कौन सी गेम खेल रहे हो आप लोग। चक्की चक्की कैसे खेलते हैं चक्की चक्की। He is actually a real ghost, so we're seeing if he's real by doing some tests. Ghost? Yes. Like, so we're saying, Chucky, if you are my best friend, give me a 4, and if we get a 4, then that's true. Like, we have to question like that. And we have 3 lives. If all of our 3 lives go in the middle, that is going to be real. Tum in card se ghost bula rahe ho yahan pe is ghar mein. किसके हस्बैंड बैठे हैं वहाँ पे। किसके हस्बैंड बैठे हैं वहाँ पे। आप बुला के दिखाओ अपने। मैं मार कुटाई के लिए जा रहा हूँ। एक मिनट आधार तुम किसके हस्बैंड हो। तुम रह सकते हो किसी के तो बनोगे।
कसम दे रहा, क्या बोल रही हो? जिस जिसके पति यहाँ बैठे ना उनकी बीवी को मार पड़ेगी वहाँ पे। फिर मारो मारो मारो। अच्छा भाई ठीक है, कॉलिंग ऑल द बॉयज विद देयर ड्रिंक्स, हियर कम्स द सॉन्ग फॉर देम। गाइस अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये कपल डांस हो रहे हैं। हम लोगों ने सबने बोला कि अब एक एक करके कपल्स आएंगे और अपना अपना गाना चूज करके डांस करेंगे। वैसे सिर्फ इन्हीं लोगों को गाना चूज करने का मौका मिला था, बाकी सभी लोगों का गाना राशि ने खुद चलाया था। और जब खुद की बारी आई तो चूज कर लिया जिसमें सबसे अच्छा डांस आता था इन लोगों को। चालू लोग थे ये भी बहुत। सारा खाना मैंने नहीं बनाया। मैंने बनाया है। हाँ बस तुम राजधानी में जॉब करती हो। हमारी दिवाली पार्टी के डिनर में थी मखनी दाल, पनीर बटर मसाला, मेथी मलाई मटर, राइस, नान, चपाती, चाउमीन और चिली पनीर जो घर पे बने हुए थे, रायता, सैलेड और पनीर बटर मसाला, और मीठे में था गाजर का हलवा। गाइस अभी ना हम लोगों ने ऊपर खाना खाना शुरू ही किया था कि ऐसे लगा जैसे ना घर में भूकंप सा आ गया, सब कुछ हिल सा रहा है। इतना शोर मच गया, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ वैसा वैसा सा शोर जैसा आपको सैटरडे नाइट पे बॉयज हॉस्टल में सुनाई नहीं देता, जहाँ पे बड़े सारे लड़के सैटरडे रात की खुशी में, और समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हम सारी लड़कियाँ ऊपर खाना खाने के आ गए, इन लड़कों ने हमारी बेसमेंट को ना बॉयज हॉस्टल बना दिया कि मुझे भागते भागते नीचे आना पड़ा कि ये हो क्या गया भाई। गाने चल रहे थे वो तो एक बात है, ये सारे लोग मिलकर जो गाने गा रहे थे वो दूसरी बात है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना छत ही नीचे आ जाएगी। और मैं इनको ना गुस्सा करने के लिए आई थी यहाँ पे, इनको डांटने के लिए आई थी, और हुआ क्या वो देखो।
मैं खुद इन लोगों के साथ डांस करने लग गई यार। आपको एक बात बताऊं, हैप्पीनेस, एनर्जी, पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। जब आप इतने हैप्पी लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ और एनर्जेटिक लोगों के साथ होते हो ना, आप अपने आप एनर्जेटिक, पॉजिटिव और हैप्पी हो जाते हो। तो वही हुआ, सारी की सारी लड़कियाँ अपने खाने की प्लेट्स लेकर ना नीचे आ गई, बिकॉज हम लोग रुक ही नहीं पाए थे। ऊपर रह के हमें ऐसा लग रहा था कि वी आर मिसिंग समथिंग, क्योंकि पार्टी तो लग रहा था कि अभी शुरू हुई है। वैसे टाइम बता दूँ, रात के 1 बज गए थे। क्या है आज? आज हम फर्स्ट टाइम मिले थे, 6 साल पहले। हादसा हुआ था, ये हादसा हुआ था। आज हमारी हादसा एनिवर्सरी। जब भी मैं हैप्पी एनिवर्सरी भैया। ऐसे नहीं गले मिलके। तो बहुत सारा डांस करने के बाद बहुत सारी गप्पे मारी और 2:30 बजे हमें याद आया कि दिवाली पार्टी बिना फुलझड़ियों के बिल्कुल अधूरी है। तो रात को 2:30-3 बजे हम लोग बाहर निकल आए फुलझड़ियां जलाने के लिए। तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइस। सुबह के 3 बजे हम लोग हैप्पी दिवाली कर रहे हैं। एक्चुअली अगर कोई इस वक्त ना, हम सारे फर्कल में खड़े होकर, एक फुलझड़ी भी फर्कल में कर रहे हैं, कोई भी विंडो से देख रहा होगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।